नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं अपने वीडियो में पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, पत्ते गोभी का पराठा, जिसे मुझे आपके साथ शेयर करना है। तो चलिए देखते हैं पत्ते गोभी पराठे के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। हमने कुछ लहसुन की कलियाँ हैं, थोड़ा सा जिंजर है एक टुकड़े के लगभग, आधा चम्मच अजवाइन है, आधा चम्मच से कम रेड चिली पाउडर है, एक सफ़ेद तिल है जो हमने साफ किए हुए हैं, थोड़ा सा ऑयल है, फॉर्चून ऑयल है, कैबेज है, पत्ता गोभी है जिसे हमने पतले धोकर पतले पतले घिस लिए हैं कद्दूकस से, दो बड़े चम्मच के लगभग हमने बेसन लिया है, ये दो बड़े चम्मच है, थोड़ी सी धनिया पत्ती है जिसे हमने धोकर पतले पतले चॉप कर लिए हैं, दो बड़े चम्मच दही है, फ्रेश दही है, एक अनियन है, बड़ी साइज़ का अनियन है जिसे हमने छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं, नमक है, आटा है और पानी है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लहसुन और गार्लिक को पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेते हैं। हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना लिया है पानी डालकर, हम इसको एक साइड रखते हैं। सबसे पहले हम आटा लेते हैं, आटा को बड़ी थाली में ट्रांसफर करते हैं, हमें इसे बड़ी थाली में ट्रांसफर करना है। अब इसमें कैबेज मिक्स कर देते हैं जिसे हमने पतले पतले कद्दूकस कर लिए हैं, आप बारीक वाले से कद्दूकस करिएगा। फिर हम अनियन डाल देते हैं, एक एक करके हमने सारे सामान डाले हैं, बेसन है, फ्रेश दही है, धनिया पत्ती है, लहसुन गार्लिक का पेस्ट है, अगर आपको इस लहसुन गार्लिक का पेस्ट नहीं पसंद है तो मत डालिएगा, सफ़ेद तिल है ये भी ऑप्शनल है, अजवाइन है, पहले हम रेड चिली पाउडर डालते हैं, अजवाइन को हम इस तरह हाथ पे क्रश करते हुए डाली है, इससे इसका अच्छा और फ्लेवर आता है, इस तरह से लेके इस तरह से इसको मसल दीजिए इस तरह से, तब इसको डालिए। और नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, दो बड़े चम्मच हमने नमक डाल दिया। अब ऑयल डाल देते हैं, अब इन सभी को हमें मिक्स करना है अच्छी तरह से। अब इस तरह से मिक्स कर दीजिए, ध्यान दें पत्ते गोभी में थोड़ा सा पानी रहता है, इसको पहले मिक्स कर लीजिएगा तब फिर तब पानी डालिएगा, नहीं तो आटा हमारा गीला हो जाएगा। तो चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, इसे हाथ से मदद से करनी पड़ेगी। स्पून को मिक्स साइड रखते हैं, हमने इसे हाथ की मदद से मसल लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डालते हुए इसको गूंथना है, एकदम सॉफ्ट आटा गूंथना है। चलिए हम इसका सॉफ्ट आटा गूंथ लेते हैं, लेकिन ख्याल रखिए पानी आप थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा, हमें थोड़ा ही थोड़ा पानी करके डालना है, इकट्ठा पानी डाल देंगे तो आपका आटा गीला हो जाएगा और पराठे हमारे अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए हमें इसका सॉफ्ट आटा लगाना है। तो चलिए हम सॉफ्ट आटा लगाते हैं इसका। आटा को गूंथ कर हमने रेडी कर लिया है, हमने सॉफ्ट आटा गूंथा है, लेकिन इसे हमें 10-15 मिनट के लिए छोड़ना पड़ेगा, आटा हमारी और सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए इसे हमें ढक्कन से ढक देते हैं, प्लेट से ढक देते हैं, 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं कि आटा हमारी अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो 10 मिनट का वेट करते हैं, 10 मिनट के लगभग हो गए हैं, हम प्लेट को एक साइड रखते हैं, आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है, लेकिन इसे हम एक दो बार हाथ से अच्छी तरह से मसल देते हैं। हमारे पास एक फॉर्चून ऑयल है, अब जो भी आपको जो ऑयल पसंद है सो लीजिए, इस तरह से हाथ से लगाते हुए हमें इसे मसलना है अच्छी तरह से। अब ऑयल ही लगाइएगा, पानी नहीं लगाना आपको, इस तरह से इसको अच्छी तरह से मसल लीजिए, इससे हमारे पराठे और टेस्टी बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। जब भी पराठा बनाइए आप 10 मिनट के लिए आटा को सेट होने के लिए छोड़ दीजिए, हमारा आटा एकदम अच्छी तरह से सेट हो चुका है। चलिए अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। हम सूखा आटा इस तरह लगा लेते हैं हाथ में, और मीडियम साइज का ये पेड़ा हम पेड़ा बना लेते हैं, लोई बना लेते हैं, इसे हाथ से प्रेस करते हुए इसे इस तरह से हमें इसकी लोई बनानी है, पेड़े बनाने हैं, आटा ज़्यादा छोटा भी नहीं लीजिए, इस साइज के लीजिए। चलिए तो इसको हम रोटी बना लेते हैं, पराठा बनाते हैं।
इस तरह से प्रेस करते हैं, उंगली की मदद से इस तरह इसको दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। सूखा आटा लगाइए, फिर इसके ऊपर हमें बेलन चलाना है। आप चाहे तो ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सूखा आटा लगा रहे हैं। इस तरह से आप इसको बेल लीजिए, मीडियम साइज में बेलना है। अब इसमें हम नाइफ की मदद से कट लगाते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं, इससे हमारे पराठे और अच्छे बनते हैं और टेस्टी बनते हैं। आप इस तरह इस पराठे को बनाइए, बहुत ही अच्छे बनेंगे। फिर सूखा आटा डाल देते हैं पीच भर, फिर इसको राउंड में हमें इस तरह से इसे फोल्ड करनी है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप सिर्फ रोटी की तरह इसे बेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आपको ऐसे ही करके दिखा रहे हैं। इस तरह से इसको फिंगर की मदद से दबाते रहिए। अब इस तरह से इसको प्रेस कर दीजिए। अब फिर अब इसे हमें रोटी के आकार में बेलना है, मीडियम साइज में। हमने मीडियम साइज में पराठे को बेल लिया है। ये ज़्यादा ना मोटा है ना ज़्यादा पतला है, ये देखिए। आप इसी तरह ज़्यादा पतला करेंगे तो पराठे हमारे अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए पराठे को हमेशा हल्का से, एकदम हल्का से मोटा बनाना चाहिए, रोटी से थोड़ी सी मोटी। चलिए हम तवा भी रख देते हैं। तब तक हमारा तवा लगभग गर्म हो चुका है। आप इस तरह से हाथ लगाकर, हथेली लगाकर दे सकते हैं। अब हम पराठे को इसमें डाल देते हैं। अब पराठे को हमें नीचे से सेकना है, तो चलिए हम नीचे से पराठा को सेक लेते हैं। अगर आपको इस पराठे में लहसुन प्याज नहीं पसंद है तो आप लहसुन प्याज मत डालिएगा, तब भी हमारे पराठे बहुत टेस्टी बनेंगे, अच्छे बनेंगे। लेकिन आप इस पराठे को ज़रूर बनाइएगा, आपको सच में अच्छी लगेगी। आप पराठे किस तरह से हल्का सा हिला दीजिए कि हमारे पराठे किनारे से भी नीचे से सिक जाएं, इसलिए हम पराठे किस तरह से हल्के हाथ से हिला दे रहे हैं। आराम से करिएगा, सावधानी से करिएगा, नहीं तो आपके हाथ जल सकते हैं। अब पराठे को हम इस तरह से नीचे ऊपर कर दे रहे हैं। देखिए हमारा पराठा नीचे से अच्छी तरह से सेक गया है, हमने पराठे को पलट दिया है। अब हमें इसे नीचे से भी सेकना अच्छी तरह से, इसको भी हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस तरह से हल्का सा घुमाते रहिए। हमने इसे एकदम हल्के हाथ से घुमा रहे हैं, आराम आराम से करें कि हमारे हाथ भी न जले। अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे तो चमचे की मदद से कर लीजिएगा। आंच को हमने ज़्यादा तेज भी नहीं रखा है। अब पराठे भी हमारे लगभग पीछे से भी सिक चुके हैं, जिसे देख लेते हैं पीछे सिके हुए कि नहीं। पराठे देखिए हमारे पीछे से भी अच्छी तरह से सिक चुके हैं। अब इसमें हम ऑयल लगा देते हैं, आज को हम स्लो रख देते हैं क्योंकि पराठे हमारे पीछे से भी अच्छी तरह सिक चुके हैं। अब इसमें हम ऑयल लगा दे रहे हैं, फॉर्चून ऑयल है। अगर आपको देसी घी पसंद है देसी घी लगाइए, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल पसंद है तो मस्टर्ड ऑयल लगाइए। इसे हल्के हल्के कर देते हैं, इसे प्रेस करते हुए हल्की स्पून से ऐसे प्रेस करते हुए इसे अच्छी तरह से ऑयल लगाइए कि हमारे किनारे वाले भी पराठे सेक जाए, क्योंकि अक्सर पराठे में किनारे वाला हिस्सा कच्चा रहता है। अब इसे भी इस तरह से बदल के इस तरह से इसे दबाते हुए अच्छी तरह से सेक लीजिए। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट के ज़रिए कि आपके पराठे कैसे बने हैं, कैसे लगते हैं। अभी हम सिकने दे रहे हैं, आज को हम थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं इंजेक्शन को। हमने इंजेक्शन को तेज़ कर दिया है एक पॉइंट, फिर से चेंज कर दीजिए। इसे हमें थोड़ा सा खस्ता भी बनाना है। आप इसे किसी के भी साथ खा सकते हैं, चाय दही सॉस चटनी जो भी आपको अच्छी लगे सबके साथ खा सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से सेक लेते हैं। हमने पराठे को अच्छी तरह से सेक लिया है, आज को हम फिर स्लो कर देते हैं। अब आपको दिखाते हैं पराठे हमारे आगे पीछे दोनों तरफ अच्छे तरह हमने चमचा बदल लिया। ये देखिए पराठे हमारे अच्छी तरह से सेक चुके हैं, हमने किनारा भी एकदम कच्चा नहीं है, ये जला नहीं, खस्ते हो गए हैं। चलिए इसे हम एक प्लेट में निकालते हैं। इसी तरह करके हम एक एक करके सारे पराठे बना लेते हैं। तो गैस को ऑफ कर देते हैं। हमने पराठे को प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। हमने फ्रेश दही है, सॉस है, आपको जिसके साथ अच्छी लगे आप उसके साथ लीजिएगा। लेकिन हमारी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। इसे लंच बॉक्स में दे सकते हैं, ऐसी सॉफ्टनेस बनी रहेगी, ऐसी टेस्टी बनी रहेगी। आप रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको हमारा पराठा बनाने का तरीका अच्छा लगा है
तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी कोई भी वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिएगा। धन्यवाद।